क्वेश्चन थर्टी नाइन में इस पिक्चर को देखिए इस पिक्चर में एक स्लाइड प्रोजेक्टर है और उसमें अलग अलग किस्म के लेंस को लिखाया गया है तो देवे इमेजेज आर दैट ऑफ स्पेशलाइज स्लाइड प्रोजेक्टर स्लाइड्स आर स्मॉल ट्रांसपेरेंसीज माउंटेड इन स्टडी फ्रेम्स एड एलीटेड टू मैग्निफिकेशन एंड प्रोजेक्शन सिंस दे हैव अ वेरी हाई रेजोल्यूशन एंड हाई इमेज क्वालिटी देर इज अ ट्रे वेयर द स्लाइड्स आर टू बी पुट इन टू अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन सो देट द व्यूवर्स कैन सी द इन लार्ज डायरेक्ट इमेजेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्लाइड दिस मीन्स दैट द स्लाइड्स विल हैव टू बी इंसर्टेड अप साइड डाउन इन द प्रोजेक्टर ट्रे तो देखिये ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ से है टू शो आर स्टूडेंट द इमेज ऑफ इंसेक्स दैट सी इन्वेस्टिगेटेड इन द लेब मिसेज अर बाट आर स्लाइड प्रोजेक्टर हर स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूसड फाइव हंड्रेड टाइम्स इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज आप स्लाइड ऑन ए स्क्रीन टेन मीटर अवे तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो फाइव हंड्रेड टाइम्स इन लार्ज बन रहा है इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और स्लाइड पे बन रहा है स्लाइड के द्वारा बन रहा है स्क्रीन पे जो कि स्क्रीन टेन मीटर अवे है मतलब ये यहाँ पे स्क्रीन है तो यहाँ पर इमेज फार्म होता है तो ये किस केस में होता है तो रियल इमेज के केस में होता है क्योंकि रियल इमेज का जो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि उसको स्क्रीन पर हम बना सकते हैं अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन ये बोलता है कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट एंड डाटा गिवन इन द दब पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट बी मस्ट द स्लाइड प्रोजेक्टर है कि जो हमने समझा जो टेक्स्ट में पढ़ा हुआ जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ में उसके अनुसार हमको बताना है कि कौन से किस्म का लेंस जो है ना इस स्लाइड प्रोजेक्टर में होना ही चाहिए इसके आंसर में लिखेंगे जो हमने अच्छे से समझा है कि द लेंस यूज इन स्लाइड प्रोजेक्टर इज कन्वेक्स लेंस कि जो लेंस यूज हो रहा है स्लाइड प्रोजेक्टर में वो कन्वेक्स लेंस है बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इन लार्ज क्योंकि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है उल्टा है और बड़ा है एंड फॉर्म्स ऑन स्क्रीन और सबसे इम्पोर्टेंट कि स्क्रीन पे बनता है मीन्स इट इज अ रियल इमेज मतलब कि एक रियल इमेज है अब इसका क्वेश्चन भी है इफ़ भी इज द सिम्बॉल यूजड फॉर इमेज डिस्टेंस तो देखिए यहाँ पे भी जो है ना वो इमेज डिस्टेंस का सिम्बॉल है एंड यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिम्बॉल है देन विथ वन रीजन स्टेट वाट विल बी द साइन फार भी अपान यू इन द गिवन केस तो हमको एक रीज़न बताना है कि क्या साइन होगा भी अपान यू का इस केस में जो केस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें इसमें देखिए मान लीजिए ये कानवेक्स लेंस है और यहाँ से एक लाइट आ रहा है तो इधर का पूरा का पूरा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे यू जो है ना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यू नेगेटिव होगा और ये यहाँ पर इसका इमेज बनेगा और इमेज जो है लाइट के डायरेक्शन में बन रहा है तो इमेज यहाँ पे पॉजिटिव होगा मैंने वी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो भी अपान यू हम लोग लिखेंगे इसमें वी पॉजिटिव है और यू नेगेटिव है इसीलिए इसका जो टोटल साइन होगा माइनस बी अपान यू होगा मतलब बी अपान यू का यहाँ पर साइन क्या होगा निगेटिव हो जाएगा इसके आंसर में लिखेंगे कि एज द इमेज फॉर्म ड इज रियल एंड इन्वर्टेड याद रखिएगा अगर रियल और इन्वर्टेड है एंड द मैग्नीफिकेशन विल भी नेगेटिव तो मैग्नीफिकेशन जो है ना वो नेगेटिव होता है जैसे कि हम समझ चुके हैं इसमें क्वेश्चन सी है अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस विद द फोकल लेंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इसमें देखिए फोकल लेंथ दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस का एप इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इसके आगे मैं बोल रहा है कि द स्लाइड इज प्लेस्ड अप साइड डाउन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस और जो स्लाइड का डिस्टेंस है वो ट्वेंटी वन सेंटीमीटर है लेंस से यहाँ पे यू का वैल्यू दे रहा है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर अब बोलता है हाउ फार अवे शूड द स्क्रीन बी प्लेस्ड from द स्लाइड प्रोजेक्टर्स लेंस सो दैट द slide इज इन फोकस यहाँ पे बोल रहा है कि कितना दूर जो स्क्रीन है उसको रखा जाए स्लाइड प्रोजेक्टर लेंस से जिसके कारण स्लाइड जो है ना वो फोकस में रहे तो यहाँ पे देखिए भी जो है ना वो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्राम द लेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्राम द लेंस है तो यहाँ पर हम लोगों को लेंस फार्मूला से जो भी है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें गिवन है कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस एफ इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ये को दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यू इक्वल टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इक्वल टू तो भी ठीक है इसमें हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो लेंस फार्मूला में ओना पान एफ इक्वल टू तो, ओना पान भी माइनस ओन अपान यू तो देखिए यहाँ पे यू जो है ना ने नेगेटिव होगा क्योंकि ये लाइट जो आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम लोग जो इसका फोकल लेंथ है उसको 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे और इसका व्यू को हमको फाइंड आउट करना है और ये यू जो है ना माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ये नेगेटिव होगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वन ऑफ वन इक्वल टू होगा इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये लिख सकते हैं वन ऑफ वन वी प्लस वन ऑफ ट्वेंटी वन और वन अपन बी में इसको करेंगे तो वन अपन ट्वेंटी वन इधर ट्रांसफर होगा तो वन अपन ट्वेंटी माइनस वन अपन ट्वेंटी वन इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा जीरो ट्वेंटी वन टू जा फोर्टी टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी हो गया और ये हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी ये हो गया वन अपन फोर हंड्रेड ट्वेंटी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इक्वल टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर आ जाएगा मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस है वो है फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इसको लिखेंगे कि द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 420 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर अब इसमें क्वेश्चन सी का आर है वेन स्लाइड इज प्लेसड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस इन द प्रोजेक्टर जब एक स्लाइड को प्लेस्ड किया जा रहा है 15 सेंटीमीटर लेंस के पीछे में प्रोजेक्टर में एन इमेज इज फॉर्मड थ्री मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस तब एक इमेज फॉर्म हो रहा है लेंस के आगे में थ्री मीटर पे इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 14 सेंटीमीटर अगर लेंस का फोकल लेंथ 14 सेंटीमीटर है ड्रा अरे डाइग्राम टू सो इमेज फार्मेशन तो हमको एक रेड डाइग्राम ड्रा करना है यहाँ पे जो कि इमेज फार्मेशन को दिखाए नॉट टू स्केल है इसमें स्केल को ध्यान नहीं देना है पर देखिए ऑब्जेक्ट अगर ए फोन और टू ए के बीच में है तो जो पोजिशन आप इमेज होता है बिहान टू एफ टू होता है इन होता है रियल और इन्वर्टेड होता है इसी पोजिशन को यहाँ पर पूछा हुआ है और इसको यहाँ पर आप में अच्छे से समझ सकते हैं ये वाला पोजीशन है जो कि इसमें दिया हुआ है इसी को हमको ड्रा करना है यहाँ पे कि यार फोकल लेंथ एफ इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड यू जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस है वो फिफ्टीन सेंटीमीटर है मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकल लेंथ से ज़्यादा है मैंने जो ऑब्जेक्ट का पोजिशन होगा एफ़ और टू एफ के बीच में होगा तो इसको लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज फ्लेस्ड बिटवीन एफ, एफ एंड टू एफ, ठीक है अब इसके बाद जैसे कि मैंने अभी समझाया बुक से आपको ये वाला इमेज बनाना है तो इसको कुछ नहीं करना है कन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रा करिए यहाँ पे भी किसी भी साइज़ का कर ड्रा करिए लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये छोटा होना चाहिए लेंस से यहाँ से एक पेलर लाइन खींचना है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पेलल होगा तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पेलल कोई लाइट इसके ऊपर आता है इंसिडेंट होता है तो यहाँ पर ते रिफ्लेक्ट होकर ये फोकल लेंथ से या फोकस से होकर जाता है और दूसरा जो है ना आपको यहाँ से सीधा ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास करना है तो यहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पे एक हम लोगों को इमेज मिलेगा जो कि ए डेस बी यहाँ पर मैंने दिखाया है इसको देखेंगे तो ये भी से इन लार्ज है और इन्वर्टेड है और रियल है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट बिटवीन एंड टू एफ के बीच में है एफ और टू एफ के बीच में और यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि द कॉरस्पॉन्डिंग रेडाइग्राम ये जो है ना पूरा रे रेडाइग्राम आपको बनाना है